ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। ये तस्वीरें अपने आप में काफी अनोखी हैं। राजनीति के दो बड़े विरोधी गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को टोपी पहना रहे हैं। कल तक एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले दोनों नेता जब इस तरह मिले तो इन्हें देखने वालों की भीड़ लग गई। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद करने लगा। दरअसल दिल्ली का 10 सदस्यीय संसदीय दल इंदौर की स्मार्ट सड़क का निरीक्षण करने इंदौर पहुंचा था। इस दौरान इंदौर की स्मार्ट सड़क की तारीफ की। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के नेता मौजूद थे। दिग्विजय सिंह से हुई मुलाकात के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भले ही हमारी विचारधारा अलग अलग है लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को कहाँ से जानकारी होगी? मैं मोदी जी के और अमित शाह जी की टीम का आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम। और उनको कैसे मालूम पड़ गई ये बात? तो जबरदस्ती अफवाह फैलाकर कहीं ना कहीं देश में वातावरण प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। आज एक अच्छी मुलाकात भी हुई सर उनसे आपकी? हाँ, ये तो सौजन्य मुलाकात है। मध्य प्रदेश की विशेषता है कि हम लोग विचारों से भले मतभेद रखते हो पर व्यक्तिगत संबंध हमारे बहुत अच्छे रहते हैं और हमेशा एक दूसरे को हम बधाई देते हैं। मतलब उनके भाई तो ऑलरेडी सीए का समर्थन कर चुके हैं, लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में रहते हैं। कितने दिग्विजय सिंह समेत किसी को समझा पाए अभी तक कांग्रेस के नेता? वो देखिए, जो भी समझदार आदमी है, जो भी देश के लिए सोचेगा, वो सीए का समर्थन करेगा। आज नहीं तो कल वो लोग जो सीए का विरोध कर रहे हैं वे भी सीए का समर्थन करेंगे जिस दिन उनमें सद्बुद्धि आ जाए। दिग्विजय सिंह जी के साथ दिखे आप, क्या आग बुझ गई क्या? नहीं, वो अपनी जगह है, व्यक्तिगत मित्रता हमारी अपनी जगह। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में धारा 144 तोड़ने के मामले में विजयवर्गीय समेत 350 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, तो दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा था। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय पर हमला करते हुए कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कुछ कहा है उनकी गलती नहीं है, वो एक अच्छे योग्य संघ द्वारा संस्कारित राजनेता हैं। जो भाषा संघ ने सिखाई है वो उसका उपयोग करते हैं। समाज में, मोहल्ले में, शहर में आग लगाते लगाते देश में आग लगा दी है क्योंकि यही संस्कार उन्हें संघ ने दिए। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।